नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान कांग्रेस की शान पड़ी सियासत में हलचले कब तेज हो जाएं किसी को नहीं मालूम। दरअसल पायलट गहलोत के सियासी वर्चस्व की जंग अब इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि दिल्ली से एक बयान आते ही राजस्थान के सियासी गलियारों में जो अटकलों का बाजार है वो गर्म हो जाता है, जैसे इन दिनों हुआ पड़ा है। क्या है पूरा मामला और कैसे एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की अटकलें तेज हो गई, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान का सियासी समंदर पिछले कई दिनों से शांत पड़ा था, लेकिन कल सांकेतिक प्रभारी अजय माकन ने जुबानी कंकर फेंक कर एक बार फिर से हलचले पैदा कर दी। दरअसल कल शाम माकन दिल्ली में पत्रकारों से मुखातिब हुए और इस दरमियान पत्रकारों ने जब मंत्रिमंडल विस्तार और पायलट गहलोत के झगड़े में फंसे पेज पर सवाल पूछा तो माकन सभी जिम्मेदारियों से वर्क इन प्रोग्रेस कहकर पल्ला झाड़ गए। लेट अस डिसाइड ऑन द टाइमिंग्स, इट इज फॉर द पार्टी टू डिसाइड ऑन द टाइमिंग्स, नो सो वी विल डिसाइड। आई हैव बीन देयर, आई हैव टॉक्ड टू एवरीवन, आई एम इन रेगुलर टच with both Mr. Ashok Gehlot, Mr. Sachin Pilot and all senior leaders of Rajasthan, and I'm in regular touch with them, and I have conveyed to all of them what the High Command is doing. I told earlier also that it is a work in progress and decision will come very soon. Don't ask me the date, it is a work in progress. अब प्रभारी अजय माकन को भला ये कौन बताए कि सवाल वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं है, बल्कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के जहन में सवाल ये गोंद रहा है कि पिछले 1.5 साल से चल रहा वर्क आखिर पूरा कब होगा। दरअसल अपने अंग्रेजी में दिए बयान में अजय माकन ने सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस का ही राग नहीं अलापा, बल्कि उन्होंने अपना बेहद पुराना और रटा रटाया डायलॉग अंग्रेजी में दोहराया और कहा कि राजस्थान में सब कुछ ठीक चल रहा है, हम लगातार वहां के नेताओं के टच में हैं, फाइनल तारीख नहीं बताऊंगा लेकिन वर्क प्रोग्रेस में है, ऑर्गेनाइजेशन में और बोर्ड कॉर्पोरेशन में और कैबिनेट में, तीनों की तीनों चीज़ों में हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्क इन प्रोग्रेस है और हमारी ये कोशिश है कि हम सब लोगों को, सब वर्गों को साथ में लेकर के चलें। मैं बार बार वहाँ पर जा रहा हूँ और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो सकता है वहाँ पे ही जाकर के 1-to-1 में बात कर रहा हूँ, तो सभी लोगों से मैं रेगुलर टच में हूँ, सब फैक्शन से मैं रेगुलर टच में। सांकेतिक प्रभारी अजय माकन के बयानों में अब सिर्फ इतनी तब्दीली आई है कि पहले वह मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की तारीख और महीना भी बता दिया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने फाइनल तारीख बताने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। और वैसे भी यदि माकन इस बार तारीख बता भी देते तो कांग्रेसी नेता उनके बयान पर एतबार नहीं करते, क्योंकि माकन पहले भी तारीख बताकर खूब गच्चा दे चुके हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक ये कहने लगे हैं कि माकन के हाथ में है ही क्या, जो मुख्यमंत्री गहलोत चाहेंगे वही होगा। काफी हद तक ये बात सच के सटीक भी बैठती है। लेकिन सवाल यह है कि माकन ऐसे बयान देकर पायलट गुट के जख्मों को हरा क्यों कर देते हैं। गौरतलब है कि समूचे पायलट गुट को लंबे अरसे से मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार है। खुद सचिन पायलट कई मर्तबा कह चुके हैं कि अब कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि इसमें लेट लतीफी की जाए, लेकिन इसके बावजूद हालात आलम क्या है इससे सभी वाकिफ हैं। खैर, इसी सियासत का एक पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री गहलोत सोची समझी रणनीति के तहत सियासी विरोधियों के सब्र के पाख्ता होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि दोनों गुटों ने अंदर खेमे जबरदस्त मोर्चाबंदी कर रखी है, जिसका परिणाम मंत्रिमंडल विस्तार के बाद स्पष्ट नजर आने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिफैक्ट इंडिया।
तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस प्रकार से प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बयान दिया, लेकिन माकन का इस बार बयान जरा बदला सा नजर आया। अजय माकन ने कहा कि काम चल रहा है, लेकिन ये काम पूरा कब होगा उसकी तारीख उन्होंने बताने से इनकार कर दी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार होता कब है, क्योंकि तमाम नेताओं और तमाम पत्रकारों की, कार्यकर्ताओं की, हर किसी की निगाहें इन दिनों इसी बात पर टिकी हुई है। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।